नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत के लिए 50 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज बनाने का इस लक्ष्य ने उठाया है बीड़ा। अगर पूनावाला इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका नाम की उस कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के तेजी के बढ़ते मामलों के बीच इस महामारी की वैक्सीन बनने के आसार नजर आने लगे हैं। बुधवार को खबर आई है कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं। वहीं अमेरिका फार्मा कंपनी मॉडर्ना के भी सीमित ह्यूमन ट्रायल के नतीजे सकारात्मक आए हैं। इन दोनों खबरों से दुनिया भर में वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों में आशा की किरण जगी है। वैक्सीन बनने के साथ ही दुनिया के देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आखिर इसके अधिकार कैसे खरीदे जाएं और अपने नागरिकों तक कैसे इसे पहुंचाया जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अगर भारत की बात करें तो इस मामले में एक वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी की सक्रियता की वजह से मुश्किलें कम होती दिख रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन कर रखा है। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी कामयाब हो जाती है तो भारत में इसकी उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस कंपनी ने एस्ट्राजेनेका नाम की उस कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। मीडिया में इस तरह की खबर आ चुकी है कि ऑक्सफोर्ड का प्रोजेक्ट सफल होने के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन 100 करोड़ डोज तैयार करेगी। इसमें से 50% हिस्सा भारत के लिए होगा और 50% गरीब और मध्यम आय वाले देशों के लिए। कौन है अदर पूनावाला? अदर पूनावाला इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। उनके पिता डॉक्टर साइरस पूनावाला ने ही सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना साल 1966 में की थी। ये कंपनी पूनावाला ग्रुप का हिस्सा है। अदर पूनावाला ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से पढ़ाई की है। अदर पूनावाला ने अपने पिता की कंपनी 2001 में ज्वाइन की थी। माना जाता है कि सीरम इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने और इसकी इंटरनेशनल ग्रोथ में उनका हाल ही में लॉन्च किया स्वचालित कोरोना टेस्टिंग सिस्टम, हाल ही में मैलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए इस उपकरण को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने ट्वीट किया था कि ये एक दिन के भीतर 400 से ज्यादा टेस्ट कर सकता है। साथ ही इसे ऑपरेट करने में सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसके जरिए हम कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में मेन पावर बचा सकते हैं। साथ ही कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार भी देश में बढ़ाई जा सकती है। वहीं मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया है कि अब कोविड-19 की टेस्टिंग लैब खोलना ज्यादा आसान हो जाएगा।